ठीक है, तो आप और करके लिख लीजिए, जॉर्डन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मेथड, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मेथड, ओके, एंड इट इज एप्लीकेबल इफ वी हैव रिपीटेड रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सो पैरेलल डिकम्पोजिशन ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन हैविंग रिपीटेड रूट्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मेथड. ठीक है, फाइन. स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर. ओके फाइन. तो इसमें क्या करना है आपको, ऐसा ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर करना है जिसमें रिपीटेड रूट्स हो. ओके, सो लेट अस कंसिडर ट्रांसफर फंक्शन y ओवर u, वेयर वी हैव y ओवर u 2s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 7 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 स्क्वायर s प्लस 1. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन वी कैन से वी हैव रिपीटेड रूट्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एट s इक्वल टू माइनस 2. सो एट माइनस 2 वी हैव टू रूट्स, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग रिपीटेड रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ओके, सो हेयर वी हैव ट्रांसफर फंक्शन y ओवर u इक्वल टू 2s पावर 2 प्लस 8s प्लस 7 ओवर s प्लस 2 पावर 2 s प्लस 1. ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसा हमने पैरेलल डिकम्पोजिशन में किया था, राइट, सेम मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. सो वी कैन राइट पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शन अकॉर्डिंग टू, कैसे लिखेंगे, a ओवर s प्लस 2, यस और नो, प्लस b ओवर s प्लस 2 पावर 2 प्लस c ओवर s प्लस 1. ठीक है, जैसा हमने पैरेलल डिकम्पोजिशन में किया था, सेम वे में यहां पर हमें ट्रांसफर फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. सो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन के लिए, a ओवर s प्लस 2 प्लस b ओवर s प्लस 2 पावर 2 प्लस c ओवर s प्लस 1. ठीक है, तो यहां से आपको एबीसी कैलकुलेट करना है. ओके, तो एबीसी की वैल्यू क्या होगी, एबीसी की वैल्यू क्या होगी, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम ए बी और सी की वैल्यू. ओके, ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए किसके करस्पॉन्डिंग है, ए आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते शॉर्टकट मेथड से, तो आप बी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से. तो बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी किसके करस्पॉन्डिंग है, एस प्लस टू पावर टू के करस्पॉन्डिंग, दैट्स वाई बी का फॉर्मूला क्या होगा, बाई एस ओवर यू ऑफ एस, एस प्लस टू पावर टू से मल्टीप्लाई करना है और एस की वैल्यू कितनी पुट करनी है, माइनस टू. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी. बी की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है, 2s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 7 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 पावर 2 s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 स्क्वायर वेयर s इक्वल टू माइनस 2. सो s प्लस 2 स्क्वायर टू s प्लस 2 स्क्वायर कैंसिल और s की वैल्यू आप माइनस 2 पुट करिए, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, 1. ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, तो यहां से जो b की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी. अब a का फॉर्मूला क्या होगा, जिस फॉर्मूले से आपने b कैलकुलेट किया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में. सो वी हैव d बाई ds ऑफ, किस फॉर्मूले से आपने b कैलकुलेट किया है, 2s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 7 डिवाइडेड बाई s प्लस 1. ओके, और s की वैल्यू कितनी पुट करनी है, सेम, माइनस 2.
ठीक है, तो आप पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आप एस पुट करेंगे, एक ही वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू भी वन आएगी, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। सी का फॉर्मूला क्या होगा, सी किसके करस्पॉन्डिंग है, एस प्लस वन के करस्पॉन्डिंग है, दैट्स वाई सी का फॉर्मूला क्या होगा, टू एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस सेवन डिवाइडेड बाई एस प्लस टू पावर टू, और एस की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन। ओके, तो आप सी कैलकुलेट कर लेंगे, सी की वैल्यू भी वन आएगी। सो वी हैव ए वन बी वन सी वी हैव ऑल्सो वन, ठीक है, इतना ठीक है। ओके यस सर, ठीक है, तो आप ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो वी हैव वाई ओवर यू, वाई ओवर यू कितना होगा, वन अपॉन एस प्लस टू प्लस वन अपॉन एस प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है। ओके, अब क्या करना है आपको, ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग स्टेट सिग्नल फ्लोग्राफ ड्रॉ करना है। स्टेट सिग्नल फ्लोग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आप ट्रांसफर फंक्शन को रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज मींस फर्स्ट वी कैन राइट वन अपॉन एस प्लस वन, सेकेंड वी कैन कंसिडर वन अपॉन एस प्लस टू, थर्ड वी कैन कंसिडर वन अपॉन एस प्लस टू होल स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट दिस इज माई फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन, ओके दिस इज माई सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन, ओके एंड दिस इज माई थर्ड ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन को पहले रीराइट करना पड़ेगा मेसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसा हमने पैरेलल डिकम्पोजिशन में किया था और कास्केड डिकम्पोजिशन में किया था, बिकॉज हमें ट्रांसफर फंक्शन के लिए स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। तो पहले हम स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ से स्टेट मॉडल लिखेंगे। ओके, और स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं, जब ट्रांसफर फंक्शन आपने मेसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हो। ठीक, तो फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन को हम मेसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, आपको डिनोमिनेटर को लिखना है वन प्लस समथिंग के अकॉर्डिंग, वन माइनस समथिंग के अकॉर्डिंग, ओके सॉरी वन माइनस समथिंग के अकॉर्डिंग आपको डिनोमिनेटर को लिखना है। तो दैट्स वाई हम डिनोमिनेटर से एस कॉमन लेंगे, सो वी हैव वन बाई एस ओवर कितना, वन माइनस माइनस ऑफ वन बाई एस। ओके, सेम वे में वी कैन राइट सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन, वन बाई एस ओवर वन माइनस माइनस ऑफ टू बाई एस। ओके, थर्ड को कैसे लिखेंगे, थर्ड में आपको दिया है वन ओवर एस प्लस टू पावर टू, तो वन ओवर एस प्लस टू पावर टू को हम क्या लिख सकते हैं, वन ओवर एस प्लस टू पावर टू को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एस प्लस वन इंटू वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है। ओके, वन अपॉन एस प्लस टू पावर टू को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एस प्लस वन इंटू वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है। तो वन अपॉन एस प्लस वन को हम अगेन मेसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रीराइट करेंगे, सो हाउ वी कैन रीराइट, ओके सॉरी वन अपॉन एस प्लस टू है, सॉरी सो वी हैव वन अपॉन एस प्लस टू इंटू वन अपॉन एस प्लस टू, तो वन अपॉन एस प्लस टू को हम लिखेंगे मेसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो वी हैव वन बाई एस ओवर वन माइनस माइनस टू बाई एस इंटू वन बाई एस ओवर वन माइनस माइनस टू बाई एस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इतना सभी को क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन था, ट्रांसफर फंक्शन के लिए वी हैव रिपीटेड रूट्स, ओके, तो दैट्स वाई सबसे पहले हमने ट्रांसफर फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, एबीसी कैलकुलेट किया,
एबीसी कैलकुलेट करने के बाद हमने ट्रांसफर फंक्शन को रीअरेंज किया. फर्स्ट टर्म वी हैव 1 अपॉन s प्लस 1, सेकंड वी हैव 1 अपॉन s प्लस 2, थर्ड वी हैव 1 अपॉन s प्लस 2 पावर 2. जैसा हमने कास्केड डिकम्पोजिशन में किया था, जैसा हमने पैरेलल डिकम्पोजिशन में किया था, सेम वे में यहां पर भी हमें स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है. स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम सब ट्रांसफर फंक्शन को रीराइट करेंगे मैसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो मैसन गेन फॉर्मूले में हमें केवल डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर 1 माइनस समथिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए. दैट्स वाई 1 को हमने रीराइट किया, डिनोमिनेटर से s कॉमन लिया, सो वी हैव 1 बाई s, 1 माइनस माइनस 1 बाई s. सिमिलरली सेकेंड को रीराइट किया, थर्ड है 1 अपॉन s प्लस 2 पावर 2. ओके, इसको तो हम मैसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको ब्रेक किया 2 में, 1 अपॉन s प्लस 2 इंटू 1 अपॉन s प्लस 2. 1 अपॉन s प्लस 2 को लिखा मैसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सेम वे में सेकेंड 1 अपॉन s प्लस 2 को लिखा मैसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. ठीक, अब हम स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे. तो आप सभी लोग ध्यान से देखना कि स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको कैसे बनाना है. ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग में दिया था ट्रांसफर फंक्शन उसका ऑर्डर देखना है. ऑर्डर कितना था, जो आपको स्टार्टिंग में ट्रांसफर फंक्शन दिया था, जो न्यूमेरिकल में ट्रांसफर फंक्शन दिया था, उसका ऑर्डर कितना था, 3. दैट्स व्हाई वी हैव 3 स्टेट वेरिएबल्स. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव 3 स्टेट वेरिएबल्स. ओके, वी हैव 3 स्टेट वेरिएबल्स. कौन कौन से स्टेट वेरिएबल्स होंगे, यू कैन कंसिडर फर्स्ट x1t, सेकेंड यू कैन कंसिडर x2t, थर्ड यू कैन डिफाइन x3t. अब यहां पर आपको सब ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखना है. अगर आप सब तो फिर अगर आप 4 स्टेट वेरिएबल लोगे, राइट, और अगर हम इसको रियलाइज करेंगे हार्डवेयर की हेल्प से, तो उसमें मेमोरी साइज ज्यादा होगा. तो दैट्स वाई जो मेन ट्रांसफर फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर देखना है, वहां से स्टेट वेरिएबल डिफाइन करनी है. वी हैव ऑर्डर 3, दैट्स वाई वी हैव 3 स्टेट वेरिएबल्स. यू कैन कंसिडर x1, सेकेंड x2, थर्ड x3. ओके फाइन, अब फर्स्ट के लिए ध्यान से देखना हम स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे, फिर सेकेंड के लिए स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे, और लास्ट में हम ट्रांसफर फंक्शन 3 के लिए स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको सुबह बताया था, तो उसी तरीके से आपको स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है. सो फर्स्ट वी हैव 1 ओवर s ओवर 1 माइनस माइनस ऑफ 1 बाई s. इट मींस इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा, बोलो भाई इनपुट क्या होगा. फर्स्ट के लिए यू कैन कंसिडर u1, फर्स्ट स्टेट वेरिएबल यू कैन कंसिडर कितना लिख लें, x1 डॉट लिख लें, x1 डॉट. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव x1, x1 डॉट को 1 बाई s से मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट आउटपुट वेरिएबल y1, ठीक है, या इसको हम y लिख लेते हैं और u1 को हम u लिख लेते हैं. ओके डन. लूप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x1 से वापस x1 डॉट पर आना है वाया -1. ठीक है, तभी लूप का गेन होगा -1/s. ओके डन. तो दिस इज स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन. ओके, फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना है, 1/s. सो इट इज क्लियर. इफ वी वांट टू मूव फ्रॉम u टू y, सो फर्स्ट we go to x1 dot, then x1, then y. और सभी ब्रांच का जो ट्रांसमिटेंस लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, then we have gain for forward path. Okay, so this is a state signal flow graph for the first transfer function. इतना क्लियर है सबको. सेम वे में सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन के लिए स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाइए. सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 1 बाई एस ओवर 1 माइनस माइनस 2 बाई एस. ओके, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा, x2 डॉट. ओके, नेक्स्ट वी हैव x2,
एक्स टू डॉट को वन वाई एस से मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता है ये पैरेलल डिकम्पोजिशन ही तो है, लेकिन पैरेलल डिकम्पोजिशन का स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास रिपीटेड रूट्स थे, ओके, और दोनों ट्रांसफर फंक्शन के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब पैरेलल फॉर्म है और पैरेलल में इनपुट सेम होता है, तो आपको इनपुट कहाँ से लेना है, इनपुट आपका सेम रहेगा U, या आप U2 भी लिख सकते थे इसको, और फाइनली हमें U1 और U2 सेम रखना था, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं जैसे मैंने सुबह बनाया था पैरेलल डिकम्पोजिशन के लिए, अदरवाइज आप दोनों के लिए सेम इनपुट रखिए और ब्रांच का ट्रांसमिटेंस कितना होगा 1 फ्रॉम U2 X2 डॉट, डन, इतना ठीक है। लूप बनाने के लिए आपको X2 डॉट पे वापस आना है बाया ब्रांच -2, तो आप देखिए लूप का गेन कितना है -2/s, फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना था, फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना था 1/s, ओके, तो फॉरवर्ड पाथ का गेन 1/s है बिकॉज आपको मूव करना है फर्स्ट U2 X2 डॉट, देन X2 डॉट टू X2, देन X2 टू, फाइनली Y2, ओके, और पैरेलल में क्या होता है, आउटपुट होगा दोनों का सम, तो Y2 से जो आउटपुट मिलेगा उसको आप सम कर दीजिए Y1 के साथ, ब्रांच का ट्रांसमिटेंस कितना होगा 1, तो अब आप Y1 को क्या लिखेंगे Y, इतना क्लियर है, ओके, सो दिस इज स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन प्लस सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन, ऊपर वाला फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन के लिए है, नीचे वाला सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन के लिए है, दोनों को मैंने क्लब किया है, सो वी हैव स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन प्लस सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन। अब बचा है, हाँ जी सर, जैसे हम जब भी सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाएंगे हर ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो जो भी स्टेट वेरिएबल होगा उससे पहले ये X1 और X2 तो सर ये इनका डेरिवेटिव, क्योंकि क्योंकि जब हम स्टेट इक्वेशन लिखते हैं तो हम डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो अगर स्टेट वेरिएबल X1 है तो आपको X1 डॉट कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप स्टेट इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे X1 डॉट के लिए, X2 डॉट के लिए या फिर X3 डॉट के लिए, तो इसीलिए जो इंटरमीडिएट नोड्स होंगे वो स्टेट वेरिएबल के लिए होंगे और स्टेट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है उसके लिए होगा, तो आप जैसे हमने कास्केड में लिया था X1 डॉट X1, पैरेलल में भी सेम तरीके से लिया था X1 डॉट X1, सेम वे में हमें पैरेलल डिकम्पोजिशन के लिए लेना है इफ वी हैव रिपीटेड रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है आयुष? यस सर, ठीक है। अब थर्ड वाला ध्यान से देखिए, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले को हमने स्प्लिट किया है, दो में स्प्लिट किया था ना, थर्ड वाला था 1/(s+2)/2, ओके, तो मैसन गेन में लिखने के लिए हमने उसको स्प्लिट किया था 1/(s+2)/1/(s+2) के अकॉर्डिंग, 1/(s+2) को हमने मैसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रीराइट किया था, सेकेंड 1/(s+2) को हमने मैसन गेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रीराइट किया था। अब दोनों को हम अलग अलग रियलाइज नहीं करेंगे, अगर दोनों को अलग अलग रियलाइज करेंगे तब हमें दो स्टेट वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, ओके, अगर हम दोनों को अलग अलग रियलाइज करेंगे तो हमें दो स्टेट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट यहाँ पर टोटल स्टेट वेरिएबल्स 3 हैं, दो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, फर्स्ट फॉर फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन, सेकेंड फॉर सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन, तो थर्ड को रियलाइज करने के लिए हमारे पास केवल एक ही स्टेट वेरिएबल है, लेकिन टर्म दो हैं, दोनों कास्केड वे में कनेक्टेड हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वही सेकेंड है, ओके, इट मींस थर्ड को, थर्ड के फर्स्ट पार्ट को रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, और इन अदर वे यू कैन से थर्ड के सेकेंड पार्ट को रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, इट मींस थर्ड के एक पार्ट को रियलाइज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो सेकेंड की तरह है, जो दैट्स वाई थर्ड का जो दूसरा पार्ट बचा हुआ है उसको रियलाइज करेंगे, तो थर्ड का दूसरा पार्ट क्या है, 1/(s)/(1 -2)/(s),
इसको हम रियलाइज करेंगे विद दी हेल्प ऑफ थर्ड स्टेट वेरिएबल, ओके। और आपको पता है कि थर्ड में दो टर्म है, दोनों कास्केड में है, ओके। और कास्केड किसके साथ है? सेकेंड के साथ। सेकेंड का स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ हमने नीचे बनाया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज फॉर सेकेंड, ओके, एंड दिस इज फॉर फर्स्ट। तो थर्ड थर्ड में हमारे पास दो टर्म्स हैं, दोनों को कास्केड करना है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड का हम एक टर्म लेंगे और सेकेंड के साथ उसको हम कास्केड कर देंगे। तो हमें केवल एक थर्ड में केवल एक पार्ट को रियलाइज करना पड़ेगा। सो लेट अस सी कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव इनपुट, नेक्स्ट वी हैव फॉर एक्स थ्री, नेक्स्ट नोड वी हैव फॉर एक्स थ्री, नेक्स्ट एक्स थ्री डॉट, नेक्स्ट वी हैव फॉर एक्स थ्री, लास्ट वी हैव फॉर आउटपुट, इसको मैं लिख देता हूँ वाई थ्री। डन। कास्केड में क्या होगा? अगर मैं इसको यू थ्री लिखूं तो कास्केड में वाई टू और यू थ्री सेम रहेंगे, ओके, वाई टू इक्वल टू यू थ्री। डन, इतना ठीक है, ओके। अब आपको लूप बनाना है, तो लूप बनाने के लिए आपका मूवमेंट होगा एक्स थ्री डॉट टू एक्स थ्री पाया वन बाई एस, देन एक्स थ्री टू एक्स थ्री डॉट पाया माइनस टू। तो लूप का गेन कितना हो गया? माइनस टू बाई एस, ठीक है। जहां पर आपने ब्रांच का ट्रांसमिटेंस नहीं लिखा हुआ है वहां आप वन लिख दीजिए। डन, इतना ठीक है। अगर आप फॉरवर्ड पाथ का गेन देखेंगे तो वन बाई एस ही आएगा फ्रॉम यू थ्री टू बाई थ्री। इतना क्लियर है? सो लास्ट पार्ट विल डिफाइन रियलाइजेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ थर्ड ट्रांसफर फंक्शन। अगर टू थ्री को आप ध्यान से देखें तो टू थ्री का मीनिंग है रियलाइजेशन ऑफ थर्ड ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज दोनों कास्केड वे में कनेक्टेड है। ओवरऑल आउटपुट क्या था? तीनों का सम। तो तीनों का सम कैसे मिलेगा? बाई थ्री से जो आउटपुट मिलेगा उसको आप बाई वन से कनेक्ट कर दीजिए, या बाई से कनेक्ट कर दीजिए, आप बाई वन आपका बाई हो जाएगा। ब्रांच का ट्रांसमिटेंस कितना होगा? वन, ओके। तो जो मैंने डार्क किया है ये फाइनल आउटपुट है, या यू कैन से सिंक नोड है, ओके। और इसको भी मैं डार्क कर देता हूं, ये आपका इनपुट नोड है, ओके। सो हेयर वी हैव स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर गिवन ट्रांसफर फंक्शन। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। अगर आप सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड और थर्ड कास्केड वे में कनेक्टेड हैं। कास्केड मींस जो आपने थर्ड ट्रांसफर फंक्शन लिखा था उसका स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ है, लेकिन केवल आप थर्ड को देखेंगे, इसको मैं थर्ड डैश बोल देता हूँ, केवल आप थर्ड डैश को देखेंगे तो दिस इज स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर वन पार्ट ऑफ थर्ड ट्रांसफर फंक्शन, ओके, वन पार्ट ऑफ थर्ड ट्रांसफर फंक्शन, ओके। इतना क्लियर है? यस सर। तो स्टेट सिग्नल फ्लो ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है? सिंपल चाहे अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप समझ के बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर चार स्टेट वेरिएबल्स की नीड नहीं थी, केवल तीन ही स्टेट वेरिएबल्स की नीड थी, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हम स्टेट मॉडल लिखते हैं। तो चलिए बताइए, स्टेट मॉडल, स्टेट मॉडल का मतलब स्टेट इक्वेशन। तीन स्टेट वेरिएबल्स थे तो तीन स्टेट इक्वेशन होंगी। फर्स्ट स्टेट इक्वेशन क्या होगी जल्दी से बताइए, सिंपल है। एक्स वन डॉट क्या होगा? एक्स वन डॉट नोड पर देखिए इनकमिंग ब्रांचेज कहां से आ रही है, इनकमिंग ब्रांचेज कौन से नोड से आ रही है, सम कर दीजिए। एक्स वन डॉट नोड पे देखिए वी हैव फर्स्ट फ्रॉम यू, सेकेंड फ्रॉम एक्स वन बाया माइनस वन। सो एक्स वन डॉट क्या होगा? माइनस एक्स वन प्लस यू। नाउ लेट अस सी एक्स टू डॉट, एक्स टू डॉट देखिए एक आ रहा है यू से, एक आ रहा है एक्स टू से बाया माइनस टू। सो एक्स टू डॉट होगा माइनस टू एक्स टू प्लस यू। डन। एक्स थ्री डॉट देखिए
एक्स थ्री डॉट पर एक आ रहा है आपका एक्स थ्री से वाया माइनस टू, ओके। दूसरा कहां से आ रहा है, दूसरा बताओ कहां से आ रहा है, वाई टू से, यस और नो। और वाई टू नोड पर इनकमिंग ब्रांच कहां से है, एक्स टू नोड से वाया वन। इसका मतलब वाई टू एक्स टू के बराबर है। सो एक्स थ्री डॉट कितना होगा, माइनस टू एक्स थ्री प्लस एक्स टू, ओके। सो ऑल थ्री विल डिफाइन स्टेट इक्वेशंस। आउटपुट इक्वेशन देखिए, आउटपुट इक्वेशन का मतलब आपको बाई निकालना है फाइनली। बाई का मतलब आप सोर्स नोड को देखिए, सॉरी सिंक नोड को देखिए। तो सिंक नोड पर देखिए इनकमिंग ब्रांचेज कहां से है, एक तो है एक्स वन से, दूसरा है एक्स टू से, और तीसरा है बाई थ्री से। लेकिन बाई थ्री पर इनपुट आ रहा है एक्स थ्री के अकॉर्डिंग, सो यू कैन से बाई थ्री इक्वल टू एक्स थ्री। सो बाई कितना होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ओके। सो दिस इज माई आउटपुट इक्वेशन, दिस इज माई आउटपुट इक्वेशन, ओके। सो हियर वी हैव वन आउटपुट इक्वेशन, वी हैव थ्री स्टेट इक्वेशंस, वी हैव थ्री स्टेट इक्वेशंस, डन। तीनों स्टेट इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप आउटपुट इक्वेशन को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो अगर आप स्टेट इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, देन वी हैव एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ए की कोई मुझे वैल्यू बताएगा, मैट्रिक्स ए की कोई मुझे वैल्यू बताएगा, ओके। माइनस वन जीरो जीरो कितना, जीरो। माइनस टू जीरो, जीरो वन माइनस टू, ओके। सो दिस इज माई मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स ए को हम बोलते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ओके। तो आ सकता है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स क्या होती है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ओके। सो मैट्रिक्स ए इज नोन एज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। आया कहाँ से, जब हमने स्टेट इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, तो वहां से हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू मिलेगी, ओके। और मैट्रिक्स ए को हम बोलते हैं यहाँ पर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, बिकॉज मैथड को हम बोलते थे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मैथड, ओके। सो मैट्रिक्स ए ऑब्टेंड बाई जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मैथड इज ऑल्सो नोन एज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स बी कितना होगा, तीनों दो में यू है ना, दैट्स वाई वी हैव वन वन जीरो। आउटपुट इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए, वी हैव वाई इक्वल टू मैट्रिक्स सी कितना होगा, वन वन वन, ओके। वेरिएबल्स वी हैव एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और आउटपुट इक्वेशन में यू नहीं है, दैट्स वाई मैट्रिक्स डी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ओके। सो दिस इज माई स्टेट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, दिस इज माई आउटपुट इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड स्टेट मॉडल अकॉर्डिंग टू फिजिकल वेरिएबल मेथड, अकॉर्डिंग टू फेज वेरिएबल मेथड, अकॉर्डिंग टू कैनोनिकल वेरिएबल मेथड। इन कैनोनिकल वेरिएबल मेथड वी हैव फर्स्ट कास्केड डिकम्पोजिशन, सेकेंड वी हैव पैरेलल डिकम्पोजिशन, थर्ड वी हैव पैरेलल डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन हैविंग रिपीटेड रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेट मॉडल में किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, फिजिकल वेरिएबल, अब कंक्लूजन सुन लीजिए। फिजिकल वेरिएबल मेथड यूज्ड होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, अगर आपको स्टेट मॉडल लिखना होगा उस केस में हम फिजिकल वेरिएबल मेथड यूज करेंगे। फिजिकल वेरिएबल मेथड में जो स्टेट वेरिएबल्स होंगे, आप कौन किस वैल्यू को स्टेट वेरिएबल कंसिडर करोगे, करंट थ्रू एन इंडक्टर, और करंट थ्रू एन इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर, ठीक। अगर आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या आपके पास में ट्रांसफर फंक्शन होगा, ओके, और ट्रांसफर फंक्शन के आप फैक्टर नहीं कर सकते,
उस केस में उसका स्टेट मॉडल हम लिखेंगे फेज वेरिएबल मेथड के अकॉर्डिंग। तो फेज वेरिएबल मेथड में जो आउटपुट वेरिएबल होगा उसको हम फर्स्ट स्टेट वेरिएबल कंसिडर करते हैं, उसके बाद आउटपुट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स होंगे उनको हम नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल कंसिडर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही स्टेट वेरिएबल्स होंगे। डन। अब आते हैं, अगर आप ट्रांसफर फंक्शन के फैक्टर कर सकते हो देन वी कैन डिफाइन स्टेट मॉडल विद द हेल्प ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल मेथड। कैनोनिकल वेरिएबल मेथड में फर्स्ट था कास्केड डिकम्पोजिशन, अगर दो या दो से ज्यादा ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तब। सेकेंड भी है पैरेलल डिकम्पोजिशन। पैरेलल डिकम्पोजिशन में सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। और थर्ड था अगर रिपीटेड रूट्स हैं तब पैरेलल डिकम्पोजिशन का स्पेशल केस था। राइट। सो वी हैव थ्री मेथड्स टू डिफाइन स्टेट मॉडल। ठीक है, तो स्टेट मॉडल सबको क्लियर है? स्टेट मॉडल सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछना हो किसी को? सर ये जो भी क्वेश्चन करा सर इसका एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए जो हमने अभी सॉल्व करा थर्ड बार। ओके ठीक हो, क्वेश्चन देख लीजिए। और आपको जनरल फॉर्म तो पता होनी चाहिए ना, सभी को जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए स्टेट मॉडल की जनरल फॉर्म क्या है। और हो सकता है मैट्रिक्स ए बी सी डी निकालने को आए, वैसे बी और सी तो कम आते हैं, रेयरली आते हैं। मैट्रिक्स ए पूछ सकता है आपसे कि पर्टिकुलर, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और पूछ लेगा कि आप इसके लिए मैट्रिक्स ए की वैल्यू बताइए। और मैट्रिक्स ए की वैल्यू आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए स्टेट मॉडल लिखना आता हो। ठीक है, अब इसमें केवल दो ही टॉपिक बचे हैं, एक है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स, वो भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। और तीसरा है जो ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। ओके, तो तीन टॉपिक बचे हैं। अब आपको मैं डेरिवेशन स्किप करा दूंगा, केवल फॉर्मूले लिखा दूंगा। वैसे डेरिवेशन छोटा सा ही है ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स के लिए, तो अगर आप चाहेंगे तो उसको बता भी दूंगा। तो फर्स्ट है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दूसरा है ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं या कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी से आते हैं कि सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं है, सिस्टम ऑब्जर्वेबल है या नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया आयुष? नोट कर लिया सर? क्वेश्चन पे गई नहीं है सर स्क्रीन। अच्छा, क्वेश्चन दिखाऊं आपको? यस सर, क्वेश्चन। ओके ओके, वेट। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाऊं, एक मिनट। क्वेश्चन क्वेश्चन में जो ट्रांसफर फंक्शन था उसको देख लो आप। ट्रांसफर फंक्शन था, लिखो y ओवर u इक्वल टू 2s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 7 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 पावर 2 s प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन में दिया था। टॉपिक का नाम था पैरेलल डिकम्पोजिशन ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन हैविंग रिपीटेड रूट्स ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मेथड। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मेथड, ठीक है, ओके, नोट कर लिया? ये सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ओके, टॉपिक का नाम है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीएम भी बोलते हैं, स्टेट
स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स STM, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कंप्लीटली डिफाइंस द ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम इनिशियल टाइम t इक्वल टू जीरो टू एनी टाइम व्हेन द इनपुट्स आर जीरो. स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कंप्लीटली डिफाइंस द ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द इनिशियल टाइम t इक्वल टू जीरो टू एनी टाइम व्हेन द इनपुट्स आर जीरो. और यू कैन से इट विल डिफाइन इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम. ओके, इट विल डिफाइन इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम. ओके, सो लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स और हाउ वी कैन डिफाइन द ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम इनिशियल टाइम टू एनी टाइम व्हेन द इनपुट्स आर जीरो. ओके, so here first we will consider state equation. So can anybody tell me what is state equation for the control system? State equation hum kaise likhte hain? How we can write a state equation in general form? Okay, x dot equal to right axt okay plus but but. Yes. और आपने बोला कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आप तभी डिफाइन कर सकते हैं जब वो इनपुट जीरो हो. इस इक्वेशन में इनपुट क्या है? यू ऑफ टी. यू ऑफ टी क्या है आपका? इनपुट. ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको इनपुट कितना कंसिडर करना है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको इनपुट कितना कंसिडर करना है? जीरो. ओके, तो दैट्स वाई स्टेट इक्वेशन क्या होगी? स्टेट इक्वेशन होगी एक्स डॉट फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू ए एक्स टी. डन. एक्स डॉट टी मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी. तो यू कैन राइट डीवाई डीटी ऑफ एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए एक्स टी. डन. ओके, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dy dt of x of t minus a x of t equal to zero. ठीक है, तो कोई मुझे इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बताएगा? या और करके हम लिख सकते हैं कैपिटल d माइनस a x of t इक्वल टू जीरो. यहां केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ना, pi तो जीरो रहेगा. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? कौन बताएगा? आपने पढ़ा होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जनरल सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं? ओके, वी कैन राइट एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर कैपिटल ए स्मॉल टी. ओके, सो दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. Okay, so this is complementary function. Fine. So we have x of t equal to e to the power a t. लेकिन यहां पर initial condition तो आपने include की नहीं है. Okay, तो अगर हम initial condition include करें, okay, if we include initial condition, so you can write x of t equal to e to the power a t. Initial condition क्या होगी x of t के लिए? x of 0. ओके, सो लेट अस डिफाइन इक्वेशन थर्ड. इसको आप इक्वेशन थर्ड लिख लीजिए जो आपने लिखा था dy dt x of t equal to axt. इसको आप इक्वेशन टू लिख लीजिए और जो आपकी जनरल स्टेट इक्वेशन थी उसको आप इक्वेशन वन लिख लीजिए. जो आपकी जनरल इक्वेशन थी उसको आप इक्वेशन वन लिख लीजिए. सो we have equation 1 state equation, then we have a modified version of state equation or state equation after putting u of t equal to 0,
देन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, देन वी हैव सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर ए टी। सॉल्यूशन को हमने इनिशियल कंडीशन के लिए लिखा, सो वी हैव इक्वेशन थर्ड। इतना क्लियर है सबको? यस और नो? इतना क्लियर है सबको? ठीक है सर। अब आप मुझे जो हमने इक्वेशन टू लिखा था, इक्वेशन टू का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता दीजिए। इक्वेशन टू क्या था? इक्वेशन टू था डी वाई डी टी ऑफ एक्स टी इक्वल टू कितना था, ए एक्स ऑफ टी। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन टू। ठीक है, चलिए बताइए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। डी वाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी? एस, कैपिटल एक्स ऑफ एस। अब यहां पर इनिशियल कंडीशन भी इंक्लूड करनी है बिकॉज आप स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स डिफाइन करोगे। इनिशियल कंडीशन का मतलब स्मॉल एक्स जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कैपिटल ए कॉन्स्टेंट, एक्स ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ एस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैपिटल एक्स ऑफ एस को कॉमन लिया, सो वी हैव एस ओके माइनस ए इक्वल टू स्मॉल एक्स ऑफ जीरो। अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, एस माइनस ए क्या पॉसिबल है? एस तो वेरिएबल है और ए मैट्रिक्स है, तो वेरिएबल माइनस मैट्रिक्स ऑपरेशन पॉसिबल है? जल्दी से बताओ, किसी वेरिएबल से हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आया ना, किसी वेरिएबल से हम मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। तो एस को तो क्या क्या होगा, हमें ऑपरेशन तो परफॉर्म करना है, तो हम एस से एस को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। एस को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए का साइज होगा। इफ वी हैव मैट्रिक्स ए ऑफ साइज 2 क्रॉस 2, आई आई का साइज भी 2 क्रॉस 2 होगा। इफ वी हैव मैट्रिक्स ए 3x3, तो आई का साइज भी 3x3 होगा। तो हमने एस को क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। डन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया वो आपको समझ में आया होगा। टू डिफाइन मैट्रिक्स ऑपरेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज ए के बराबर होगा। डन, यस और नो? इतना ठीक है, आगे बताइए। अब मुझे एक्स ऑफ एस की वैल्यू कौन बताएगा? अब एस माइनस ए का जो रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स है, एस माइनस ए का जो रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स होगी। एक्स ऑफ एस कितना होगा बोलो? एस माइनस ए इनवर्स ऑफ एस माइनस ए इंटू एक्स जीरो, यस और नो? ठीक, हमें हमें क्या लिखना है, हमें टाइम डोमेन सिग्नल डिफाइन करना है, और टाइम डोमेन सिग्नल हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड के लिए टाइम डोमेन सिग्नल क्या होगा, स्मॉल एक्स ऑफ टी, और राइट हैंड साइड के लिए हम क्या लिखेंगे, इनवर्स लाप्लास ऑफ कितना, एस माइनस ए इनवर्स। ठीक है, और एक्स ऑफ जीरो। डन, इसको हमने बाहर क्यों लिखा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फोर्थ लिख लीजिए, सेकेंड थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करिए, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करिए, और मुझे e की पावर 80 की वैल्यू बताइए कितनी मिलेगी। इक्वेशन सेकेंड थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करिए, इक्वेशन थर्ड कहां से आएगी, इक्वेशन सेकेंड से। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करना है, तो थर्ड के अकॉर्डिंग एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी थी, मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, थर्ड के अकॉर्डिंग एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी थी, ई टू दी पावर ए टी एक्स ऑफ जीरो। एक्स ऑफ जीरो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहां से ई टू दी पावर ए टी की वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू कितनी होगी,
कितनी होगी? इनवर्स लाप्लास ऑफ एस माइनस ए इनवर्स। डन। इसी को हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पर जो ई टू दी पावर ए टी है, यही हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, और इसको हम डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू फाई टी। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब हुआ पाई फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर ए टी, और इसका फॉर्मूला क्या है? इनवर्स लाप्लास ऑफ एस माइनस ए इनवर्स। ओके, सो हेयर फाई टी और ई टू दी पावर ए टी विल डिफाइन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके, सो हेयर एसटीएम डिपेंड्स ऑन मैट्रिक्स ए, सो समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके, एसटीएम depends on matrix A, that's why sometime it is also known as state transition matrix of A. सभी को final वाला formula याद रहेगा, state transition matrix means phi of t equal to e to the power a t. okay, e to the power a t हम कैसे calculate करेंगे? inverse Laplace transform of s minus a inverse. S inverse ऑफ मैट्रिक्स एस माइनस ए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आप निकालेंगे स्टेट मॉडल से। डन, इतना क्लियर है? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स सभी ने नोट कर लिया। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, यस और नो? ठीक है, यस सर। हाँ, तो डायरेक्ट पूछेगा, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो बहुत टफ आएगा। आपसे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करने को भी पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछेगा। चार ऑप्शन होंगे, कौन सा ऑप्शन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए राइट है? तो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप इजीली टिक कर सकते हैं। कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, तो ठीक है, फिर जैसा आज मॉक टेस्ट में होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना कैसे करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, केवल स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है पाई ऑफ जीरो इक्वल टू आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, हो सकता है आपको चार स्टेटमेंट दे दे और पूछ ले कौन सा स्टेटमेंट एसटीएम की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इतना टफ नहीं है। प्रूफ नहीं है, अदरवाइज मैं सारे सारे के प्रूफ भी करा देता। प्रूफ नहीं है तो नीड नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी पाई इनवर्स फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू पाई ऑफ माइनस टी। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड नोट करिए, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी फॉर एसटीएम। तो हो सकता है आपसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट पूछ ले। सो फाई ऑफ टी टू माइनस टी वन इंटू फाई ऑफ टी वन माइनस टी नॉट, ओके, इक्वल टू पाई ऑफ टी टू माइनस टी नॉट इक्वल टू पाई ऑफ टी टू माइनस टी नॉट। ओके, फॉर एनी टी नॉट, टी वन एंड टी टू, फॉर एनी टी नॉट, टी वन एंड टी टू। जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिखी है इसको हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी लिखी है इसको हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। डन, सभी ने नोट कर लिया, थर्ड प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी पाई ऑफ टी, ओके, होल पावर के इक्वल टू पाई ऑफ के टी।
वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी फॉर द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी फॉर एसटीएम, प्रॉपर्टी फिफ्थ, पाई डॉट टी इक्वल टू ए फाई टी. ओके, पाई डॉट टी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ टी. पाई डॉट टी मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ टी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए फाई ऑफ टी के इक्वल होगी. ठीक है, डन. ओके, तो आपसे आपको चार स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट एसटीएम की प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, तो आपको पांचों स्टेटमेंट पता होने चाहिए. ओके, तो फर्स्ट 50 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, फोर्थ एंड लास्ट फाई डॉट टी इक्वल टू ए फाई टी. ठीक है, ओके, तो एसटीएम वी हैव कंप्लीटेड. अब दो टॉपिक बचे हैं, ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स और कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी. इसको मैं कल कंप्लीट कर दूंगा और सभी का एक एक न्यूमेरिकल बता दूंगा. ठीक है, ओके, और किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए. किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए. ठीक है, तो क्विज क्विज का टाइम मैंने रिड्यूस कर दिया है. राइट, काफी टाइम था, आप लोग बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है. सो क्विज का टाइम है 4 to 4:45. टोटल वी हैव 25 क्वेश्चंस, तो टाइम हाफ कर दिया, क्वेश्चंस भी हाफ कर दिए. ठीक है, ओके, तो आप क्विज अटेम्प्ट करिए. ओके, ऑल द बेस्ट. कोशिश करिए कि खुद अटेम्प्ट